पूर्व विधायक व बाहुबली मुख्तार अंसारी को बांदा के इसी मंडल कारागार से लेकर 14 दिसंबर को पुलिस प्रयागराज पहुंची थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट से ईडी ने रिमांड ली थी मुख्तार अंसारी की। इसके बाद कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड ईडी को दी थी, जिसके बाद ईडी ने पुनः मुख्तार को 23 दिसंबर को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कुछ दिन की रिमांड और मांगी थी। इसके बाद 5 दिन की रिमांड मिली थी मुख्तार को दोबारा, जिसकी अवधि आज पूरी होने के बाद फिर से ईडी ने कोर्ट में मुख्तार को पेश किया और कोर्ट ने वापस से मुख्तार को बांदा मंडल कारागार भेज दिया, जहां अभी से कुछ देर पहले ही मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा से बांदा जेल भेज दिया गया है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।